इंटरव्यू बढ़िया था, काफी कॉर्डियल जो इंटरव्यू लिए थे काफी आपका लाइट मूड कर देते हैं। पहले शुरुआत बहुत नर्वसनेस लगती है लेकिन बाद में आदमी वो एकदम कंफर्टेबल हो जाता है वहाँ बोर्ड में। सर क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछे जा रहे थे? ऐसे ही समझ लीजिए आपको रेगुलर बेसिस पे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपसे किसी का नाम पूछे, जैसे गांधी जी का पूछ लिया कि प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे रेलेवेंट है उनका, आज उनके ये जो इतने कैओस चल रहे हैं इनमें उनका नॉन वायलेंस कैसे काम आएगा। फिर आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो अपने क्या नाम है IAS अधिकारियों और PCS अधिकारियों को क्या ऐसा निर्देश देंगे ताकि नीचे तक की जो जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो भी उनके तक सारी योजनाएं पहुंच जाए। सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये तीसरा मेंस था। सर आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड? संजीव राय मेरा नाम है, मैंने BTech किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो सर जैसे आपने BTech कर रखा मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था? मैकेनिकल से उन्होंने ये पूछा कि आप हमारे देश में एक बहुत बढ़िया कल्चर चल रहा है स्टार्टअप का, तो आप स्टार्टअप छोड़ के स्टार्टअप में क्यों नहीं गए? मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए आप लोग स्टार्स है, ब्रिलियंट स्टार, आप लोग को जाना चाहिए, नॉर्मल लोग नहीं जा रहे तो समझ में भी आ रहा, आप लोग को जाना चाहिए। हमने कहा हाँ सर, मतलब बेसिकली जाना तो चाहिए लेकिन इतना टफ तैयारी है कि उसके लिए सोचने का मौका नहीं मिलता है। तो सर जैसे आपने बताया कि मैकेनिकल आपका था, तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके मैकेनिकल से रिलेटेड थे या कुछ अलग? नहीं, था नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था मेरा। तो उससे सर कोई क्वेश्चन पूछा गया था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी वही वाला क्वेश्चन था कि जो पूछा था कि आपको PM बना दिया जाए तो आप कैसे वो करेंगे, लास्ट माइल तक कैसे पहुँचाएंगे योजनाएं, बस यही सब था। एक दो क्वेश्चन थे बस ऑप्शनल, ज्यादा मुझसे नहीं पूछे गए। बाकी लोगों को मैं देख रहा था उससे IR से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। IR से मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैं खुद IR पे ले गया जब उन्होंने नॉन वायलेंस की बात करी थी, तो मैं खुद वो यूक्रेन चाइना और ये सब इस पे मैंने बोल दिया था कि ये सब नॉन वायलेंस होता है और हेट्रेड जो सोसाइटी में फैल रही है इसके लिए बहुत काम आता है। सर जैसे आपने मेंस की प्रिपरेशन कैसे की थी? सेल्फ स्टडी करी थी पूरा, उसमें कुछ आपको करना नहीं है बेसिकली। जो सारी किताबें, एक तो देखिए पहले आप तो स्टैंडर्ड बुक सारी पढ़ लीजिए जितनी भी, जैसे NCERTs वगैरह हैं ये सब, उसके बाद घटना चक्र के छोटे छोटे कंपाइलेशन आते हैं मेंस स्पेसिफिक, उससे उसको देख लीजिए। जैसे कि UP पूरा मैंने उसी से कवर किया था, जो उसके पीछे दिए होता है डायग्राम वगैरह उसी से हो जाता है। और सर प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? प्रीलिम्स के लिए बेसिक बुक्स और घटना चक्र, और करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल है मिश्रा जी टेक्निकल करके, उसको डेली करते थे, उसके नोट्स भी बनाते थे। उसके बाद जब 10-15 दिन पहले आती ना घटना सार, तो घटना सार जब ले लेते उससे लास्ट टाइम में कर लेते थे रिवीजन। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके।